ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा के समय, जप के समय, ध्यान के समय आप चाहे जो भी मार्ग इस्तेमाल करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो उस समय गंदे विचार क्यों आते हैं, गलत ख्याल क्यों आते हैं, बुरे विचार क्यों आते हैं, नेगेटिविटी से संबंधित आपको विचार क्यों आते हैं। वैसे अन्य मौकों पर आपको शायद आते हैं या नहीं आते हैं, वो अलग विषय होता है, लेकिन जैसे ही आप पूजा के लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए बैठते हैं, तुरंत गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये गंदे विचार काम से संबंधित होते हैं, सेक्स से संबंधित होते हैं, जिसके आने के बाद आपको आत्मग्लानि होने लगती है, अपराध भाव आपके अंदर एक आ जाता है। सभी अपने परमात्मा की मूर्त के सामने पूजा करने के लिए बैठते हैं, कोई इबादत करने बैठता है, लेकिन अगर उसके भीतर से ऐसे विचार आने लग जाएं, उसका शरीर तो मंदिर में बैठा है, भगवान के समक्ष बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है, और मन भी ऐसी जगह होता है जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति और काम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि करते हैं प्रभु की, परमात्मा की प्रार्थना और पहुंच जाता है मन कहीं और? तो पूजा के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, हमारे वीडियो का यह टॉपिक है, टाइटल है, सब्जेक्ट है, जिसके विषय में हम आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, जो हमें अनुभव है उसके अनुसार। तो प्रिय भगतजनों, स्त्री और पुरुष दोनों को ऐसे विचार आते हैं, दोनों के अनुभव अलग अलग होते हैं। कवारी स्त्री, कवारे पुरुष को भी ऐसे विचार आ सकते हैं, शादीशुदा पुरुष और स्त्री को भी विचार आते हैं ऐसे, विधवा या फिर जो जिसकी पत्नी मर गई है वह भक्ति करता है तो उसको भी आते हैं। इसमें हम उम्र को, जाति को, धर्म को, कैटेगरी को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह सबके साथ समान रूप में होता है। आपकी उम्र चाहे 17 साल है, 21 साल है, 30 साल है, 50 है या 60 साल है, सभी के साथ ऐसा होता है। और जहाँ तक हमें अनुभव है, यदि 100 लोग पूजा करने बैठे तो उनमें से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे विचार नहीं आएंगे, 90 लोगों को ऐसे विचार आएंगे, पक्का आएंगे। यह एक जांच का विषय है, रिसर्च किया हुआ विषय है। 90 लोगों के साथ ऐसा होगा कि पूजा या ध्यान में बैठते ही उनको गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं, कारणों में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई गई है वो मेरा अपना, वह जो मेरे पास जो मरीज आते हैं, साधक आते हैं, शिष्य आते हैं, साधिकाएँ आती हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, उन सब के अनुभव का निचोड़ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो प्रथम कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो, वह मैं आपको बता देता हूँ। पूजा के समय यदि गंदे विचार आते हैं, ध्यान के समय यदि आपको गंदे विचार आते हैं, तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो हमारी दृष्टि में आया है, वह है सच्चे प्यार का न मिलना। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, यदि आपको पूजा के समय गंदे विचार आते हैं, तो इसका सीधा सीधा यानी कि 60% आप हिस्सा मान लीजिए कि आपको जीवन में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला है। यदि आप स्त्री हैं तो हो सकता है आपके शादी से पहले आपके मायके में आपको पिता का प्यार नहीं मिला हो, माँ का प्यार नहीं मिला हो, भाइयों का प्यार नहीं मिला हो, किसी का भी प्यार नहीं मिला हो। तब आपके मन में एक धारणा थी, एक विचार था, आपने इधर उधर से सुन रखा था कि पति आएगा शादी के बाद, उससे तुम्हें प्रेम मिलेगा, यहाँ प्रेम की प्रतीक्षा मत करो क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम पराई हो। बेटी को पराई समझा जाता है हमारे समाज में, आज 21वीं सदी में भी बेटी को बाहर की पराई समझा जाता है। तो उसके दिल में यह धारणा पक्की कर दी जाती है कि यहाँ तुझे प्यार नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा, तुझे जो कुछ मिलेगा तेरे पति के घर में मिलेगा। तो यह धारणा उसकी मजबूत होती चली जाती है शादी आते आते। शादी हो जाने के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, जो उसने सोचा था, जो सपने सजाए थे, जो उसके जीवन में उसने ख्वाब देखे थे कि यहाँ तो प्रेम मिला नहीं, हो सकता है पति के घर पति प्रेम दे दे, लेकिन यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है आने के बाद। यहाँ उसे सास से जूझना पड़ता है, ननन जेठानी से जूझना पड़ता है, देवरानी से जूझना पड़ता है,
जहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है। और पति का प्रेम बहुत कम स्त्रियाँ हैं, मैं कहूँगा 100 में से 5 ही स्त्रियाँ ऐसी होंगी जिन्हें पति का सच्चा प्रेम मिला होगा। क्योंकि अनेक महिलाएं हमारे पास आती हैं, हमें बताती हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये हालत है, वो हालत है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उन्हें पति का प्रेम मिला ही नहीं, न सास का मिला है, ननन जेठानी देवरानी तो जो करती हैं वो करती ही हैं। तो जिन्हें सच्चे प्रेम नहीं मिलता है अपने जीवन में, उनके दिल में एक टीस रहती है, एक जगह स्पेस खाली रहता है कि सच्चा प्रेम मिलना चाहिए। अब वह शादी के बाद पति के पास आई, वहाँ नहीं मिलता है, 5 साल 10 साल ऐसे ही काटती है। फिर उसके मन में विचार आता है कि पति का तो चलो प्रेम मिला नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी कट ही रही है, अब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों का प्रेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 15 साल 16 साल 17 18 के हो जाते हैं, वो अपनी ही फेंकना शुरू कर देते हैं, वो फिर आपकी कोई कदर नहीं करते हैं। ऐसी स्त्रियां हार जाती हैं जिन्हें प्रेम नहीं मिलता है, उनको पक्के गंदे विचार आएंगे, ये लिख कर जेब में डाल लेना बेटा अपनी। ऐसी स्त्री जो भी है जिसको न पीहर में प्रेम मिला, न पति का प्रेम मिला, न सास ससुर का प्रेम मिला, न अब आगे संतान का ही प्रेम, कोई केयर, कोई उनकी तरफ से सद्भावना उसे मिली है, उसके साथ 100% ये गारंटीड बात है कि पूजा या ध्यान में बैठते ही उसे गंदे विचार आएंगे। और खाली पूजा ध्यान में नहीं, मैं तो कहता हूँ जैसे ही आप सोने की कोशिश करेंगे आपको तब भी गंदे विचार आएंगे, क्योंकि आपके पति ने, आपने इतनी मुद्दत से उनका इंतजार किया था कि पति से प्रेम मिलेगा, और वहाँ गई तो क्या हुआ, शराब पी के शाम के समय पति आते हैं नशे की हालत में, गालियाँ बकते हैं, 1-2 चाटा भी लगा देते हैं, सब्जी में नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, ये बात वो बात, 1-2 चाटा लगाया, खाना कुछ खाया कुछ नहीं खाया, थाली को फेंक दिया, पकड़ लिया आपको, बेड पे डाल लिया और ज़बरदस्ती कर दी आपके साथ। मैं उसे प्रेम थोड़ा ना मानता हूँ, उसे कौन प्रेम मान सकता है। तो ये हालत शादी के बाद जब उसके साथ होती है, बार बार उसे डांटा जाता है, कभी सास द्वारा, कभी जेठानी द्वारा, कभी ननंद द्वारा, कोई उसका साथ नहीं देता है। ऐसे समय में वह अकेली पड़ जाती है, और आध्यात्मिक रूप से कहें, मानसिक रूप से कहें, शारीरिक रूप से कहें, तीनों चारों रूपों में वह कमज़ोर पड़ जाती है। अब वह सहारा किसका ढूंढती है, वह सहारा ढूंढती है परमात्मा का, कि अब खाली परमात्मा से ही आस है, और पूजा पाठ करने बैठ जाती है। पूजा पाठ करने जैसे ही बैठती है, 1-2 मिनट तो ठीक, उसके बाद उसे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, और गंदे ख्याल आने शुरू होने के बाद उसका पूजा में ध्यान नहीं लगता है। अब उसका मन हटने लगता है उन चीज़ों से, क्योंकि उसे यह एहसास होने लगता है कि जैसे ही मैं यहाँ पूजा के लिए बैठूंगी तो वह विचार आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आत्म ग्लानि का आभास होता है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि अपराध बोध अपने ही मन में, खुद के ही प्रति घृणा होने लगती है कि मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। अब ज्योतिषियों की माने तो वो कहते हैं कि इसके कारण चंद्र दोष होता है। चंद्र दोष जिसकी कुंडली में हो, जिसके ग्रह चंद्र शुभ नहीं हो, उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन हमने तो ऐसा पाया है कि जो प्रैक्टिकल नॉर्मल आदमी जीवन जीने में गलतियां करते हैं, उनकी वजह से ऐसे गंदे विचार उनको आते हैं। इसमें चंद्रमा क्या करेंगे। यदि आपको जीवन में वो चीज़ नहीं मिली है जिसकी आपने आस की है, तो आप भीतर से मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ेंगे ही, बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर पड़ेंगे, चीज़ों को आप भूलने लगेंगे, यहाँ पे रख के वहाँ भूल गए, किसी का नाम भूल गए, कोई काम कहा था वो भूल गए, ऐसी घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं, क्योंकि आपने जीवन को जिया थोड़ा ना है, जीवन को आपने घसीटा है, किसी तरह से उसको घसीट घसीट के यहाँ तक ले आए हैं, तो वैसा होता है। अन्य स्त्रियाँ बताती हैं कि हमें गुरु के प्रति गलत विचार आते हैं, जैसे गुरु के साथ ही हम संभोग कर रहे हैं, वह सौपन के माध्यम से भी हो जाता है, कई बार ध्यान के माध्यम से ऐसे दृश्य दिखते हैं, तो वो बोलती हैं कि गुरु जी क्षमा करिए, आपके बारे में आज ऐसे विचार आए, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा वो हो रहा है मन में, तो क्या करें, ये गलत है या सही है। अब मैं क्या बताऊं गलत है या सही है, ये आपके मन से विचार उठा। आपके मन से क्यों विचार उठा, क्योंकि आपने चीज़ों को या तो दबाया है, आपने उस चीज़ को दबाया है, और जिस चीज़ को हम दबाते हैं वह उतनी ही गति से ऊपर की तरफ उठती है।
अब हो सकता है आपने विचारों को दबाया। अभी एक भगत थे गुजरात के, वो बता रहे थे कि गुरुजी मैं काली माता की उपासना करता हूँ, मूर्ति के समक्ष बैठ जाता हूँ, अपना पूजा पाठ जाप ध्यान जो भी करना है, और जैसे ही 2-3 मिनट होती हैं उसके बाद फिर माता के संबंध में ही मुझे गलत ख्याल आने लग जाते हैं। क्या ये सही है, क्या गलत है? मैं तो आत्म ग्लानि से भर जाता हूँ, मुझे शर्म आने लगती है माता की तस्वीर की तरफ देखते भी, और पूजा में बैठने का अब तो मन ही नहीं करता, क्योंकि बैठते ही ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि फिर पूजा क्या कर पाऊँगा मैं, जब मन ही स्थिर नहीं है, काम वासना से भर जाता है, कामों उसकी तेवर हो जाते हैं, तो अब क्या करेंगे? तो माता के प्रति भी गंदे विचार आते हैं। यह भी एक घटना अनेक भक्तों के साथ होती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है जिनके ऊपर जिन जिनात की शक्ति लगाई गई है, कोई मसान मसानी की शक्ति लगाई गई है, मैली गंदी शक्ति कोई भी लगाई गई है, तो वह शक्ति भी अपना प्रभाव दिखाती है, क्योंकि वह शक्ति आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती है, आपके घर से शरीर से निकलना नहीं चाहती है, और आप किसी गुरु के पास चले गए, किसी योगी के पास चले गए, किसी भगत के पास चले गए, उसने आपको मंत्र जाप दे दिया कि फला फला भगवान की आप जाप करो, इतना जाप करो, इतनी संख्या में जाप करो, तो आपका कष्ट मैं काट दूंगा। अब भगत ने मंत्र दे दिया तो आप जपने की सोचते हैं, चलो भैया 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, इस संकट से निपटते निपटते ये हालत आ गई, अब इस भगत ने मंत्र दिया है तो इसका जाप मैं करके देख लेता हूँ। और जैसे ही वह जाप करने के लिए शुरू करता है तो तुरंत उसके साथ उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं। अब ये उल्टे सीधे काम क्या होने लग जाते हैं? कई लोगों को तो मानसिक रूप से विचार आते हैं गंदे, कई लोगों को साक्षात रूप में अपने अंगों के साथ छेड़छाड़ कोई चीज़ करती महसूस होती है। कई बताते हैं कि हमारे जो अंडकोश हैं उन्हें कोई पकड़ लेता है, कोई बताते हैं हमारे लिंग को किसी ने पकड़ लिया है ऐसा लगता है, कोई बताता है हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है। तो ये कहाँ से चीज़ें पैदा होती हैं? ये जिन जिनात मसान मसानी गंदी और मैली शक्तियाँ जो होती हैं, ये चीज़ें आपकी साधना को पूरा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये इनको पता है यदि आप साधना में आगे बढ़े, जो जो आप जाप करोगे तो आपके जाप की जो ऊर्जा है वह आपके ओरे का निर्माण करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे आपका ओरा मजबूत होता चला जाता है उसी अनुपात में, उसी दशा में, दिशा में चीज़ें घटित होने लग जाती हैं। यानी कि अब भूत प्रेत को ये लगने लगता है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, यहाँ ठीक थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा आप लोगों के कलेश करवा रखा था, घर में बर्बादी की तरफ डाल रखा था, आपको बुरी तरह से पीड़ित कर रखा था, लेकिन अब आप बैठ गए जप करने। तो इन चीज़ों को यानी कि आपकी साधना भंग करने के उद्देश्य से ये गंदी शक्तियाँ, मैली शक्तियाँ, मसान मसानी आदि जो ये जिन जिनात की शक्तियाँ होती हैं, खबीज होता है, ये स्त्रियों को और पुरुष को समान रूप से विघ्न डालने लग जाता है। आपने देखा होगा टीवी में और अनेक किताबों में भी पढ़ा होगा, धर्म ग्रंथों में भी देखा होगा, जब भी ऋषि मुनि यज्ञ आदि करते थे, कोई अनुष्ठान करते थे, तो दैत्य जो कि राक्षस कहे जाते हैं, वह उनके यज्ञ में विघ्न डालने चले आते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब यज्ञ हो गया तो यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। आप घर में जो भी हवन करते हैं, जो भी भोग देते हैं, प्रसाद देते हैं, दीपक जलाते हैं, उससे क्या होता है, उससे उस देवता की शक्ति बढ़ती है जिसके लिए आप भोग प्रसाद हवन कर रहे हैं। तो पहले ऋषि मुनि करते थे देवताओं के लिए हवन यज्ञ, ताकि उनकी कांति बनी रहे, उनका ओज बना रहे, उनका ओरा बना रहे, और वह धर्म की रक्षा करते रहें, दैत्यों से लड़ते रहें। तो दैत्य उन यज्ञों को नष्ट करने के लिए वहाँ मलमूत्र मांस विष्ठा फेंक देते थे, ऋषि मुनियों पर हमले कर देते थे, ताकि वह हवन यज्ञ आदि न कर सकें, जिससे कि देवताओं को शक्ति मिलनी बंद हो जाए, देवता कमज़ोर हो जाएं और राक्षस फिर हमला करके उनको जीत लें। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से जो आपके जीवन रूपी साधना है बेटा, आपका जीवन रूपी साधना ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जीवन तो आपने सारा घसीट दिया है, घसीट 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 कर ले जा रहे हैं, खींचे चल रहे हैं उसको, जैसे किसी हाथी के पैर में एक लोहे का बड़ा सा गोला बांध दिया जाता है और वह उसे घसीटता घसीटता धीरे धीरे सैन्य सैन्य चलता रहता है, वैसे ही जिंदगी को तो आपने घसीट दिया है। अब इस जीवन रूपी साधना में आपको कोई गुरु मिल गया है, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई भगत, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा जो आपके कष्टों का नाश कर देना चाहता है,
और कर देगा, वो निश्चित ही कर देगा। यदि आपकी श्रद्धा रास्ता पक्की है तो वह पक्का करेगा, क्योंकि अज्ञान आपके दिमाग में है, आपके भीतर अज्ञान है। गुरु के अंदर अज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी है। गुरु आपको बताता है कि ऐसे करना है, आपको लग सकता है कि ये क्या है, ये इससे क्या होगा, ये उल्टी सीधी चीज़ों से कुछ फ़ायदा थोड़ा ना होगा, ऐसा तो सभी कर लें फिर आराम होने लगेगा। इस तरह के जो विचार आपके भीतर आते हैं, ये आपको ठीक नहीं होने देते हैं, क्योंकि गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वह जैसा बोले वैसा करना है, जितने दिन के लिए बोले उतना करना है, जितनी संख्या में बोले उतना करना है, जैसे भी वह बोले उतना आपको करना है, क्योंकि वह अनुभवी है, उसने इन चीज़ों में वह खेला है, उसने इन चीज़ों में महारत हासिल की है, तभी तो वह गुरुपद पर जा बैठा। नहीं तो आप बैठ जाते गुरुपद पर, आप क्यों भटक रहे हैं इधर उधर चौके दरबारों में कि मेरा संकट काटो, मुझे ये परेशानी वो परेशानी। तुम्हें परेशानी किस वजह से? इसी वजह से तो है कि तुम्हारे भीतर एक अज्ञान ने घर कर लिया है। 100 भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास तुम घूमे हो, 100 की एक एक बात इकट्ठा कर ली है आपने, अपने हिसाब से कर ली है, जो आपको अच्छी लगी उसको आपने सजा के रख लिया है, उन चीज़ों को आप ज्ञान समझते हैं। और जब आप किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को तर्क के रूप में टेकने लग जाते हो। गुरु बोलता है कुछ, आप पुरानी यादों में से कोई तर्क निकाल लेते हो कि महाराज ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा तो मैंने किया था, किसी ने बताया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इस तरह से बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये ज्ञान नहीं बेटा, ये अज्ञान है, इसी के कारण आप दुखी होते हैं। अब जैसे कोई स्त्री भोजन बनाती है, आपके घर में किचन है, तो भोजन बनाना भी एक कला है। परमात्मा ने अन्नपूर्णा देवी की इस पे कृपा होती है। जब स्त्री भोजन बनाती है, उस समय उसका जैसा स्वभाव होता है, उस भोजन में भी उसी प्रकार का स्वभाव अंश, उसी प्रकार की तरंग फैल जाती हैं। मान लीजिए आपकी स्त्री खाना बना रही है और आपने उसको पीट रखा है, तो उसके आंसू भी टपकेंगे आटे में, वह रोटी पकाएगी, चपाती बनाएगी आपके लिए, गोल गोल हल्की फुल्की, तो उसके आंसू टपकेंगे, तो वह आंसू एक दुख के रूप में आप लोगों के भीतर एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उस भोजन को आप खाते हैं, आपके माता पिता खाते होंगे, आपके बच्चे खाते होंगे। यदि कोई स्त्री क्रोध में है खाना बनाते समय, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा, वह क्रोध उस अन्न के रूप में, खाने के रूप में आप लोगों के भीतर चला जाएगा। अब कई लोग कहते हैं मुझे, गुरुजी हमारे बच्चे उदंड हो गए हैं, उल्टा बोलते हैं, माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं, तो उसके लक्षण तो आप बता रहे हैं बेटा, लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि उस स्त्री को उस समय पीड़ित किया गया था, वह क्रोध में थी या फिर दुख में थी, रो रही थी, किसी दर्द से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी उसको आपने मजबूर किया, तो फिर उसके जो दुख है, क्रोध है, अंश है, वह खाने के रूप में आपके पूरे परिवार के भीतर चला जाता है और वह उसी तरह के स्वभाव में चला जाता है। कई सी स्त्रियाँ होती हैं मासिक धर्म में खाना बनाती हैं। अब अशुद्धि के समय खाना बनाना तो गलत है ना, अब उसी अशुद्धि के अंश खाने के रूप में जाकर आपके भीतर जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं गुरुजी मैली विद्या लगा दी, हाथों से बदबू आ रही है, कमरे से बदबू आ रही है, गंदी स्मेल आती है, मलमूत्र की स्मेल आती है, इस तरह की मुर्दे की स्मेल आती है, तो चीज़ों को आकर्षित कौन कर रहा है? आप ही तो ढोल बजा के बुला रहे हैं मैली शक्तियों को, क्योंकि घर में अशुद्धि होती है तुरंत मैली शक्ति झपट पड़ती है। जब तक आपका घर शुद्ध है, सात्विक है, पॉजिटिव एनर्जी है, तब तक आपके कुल देवी और पितर कहीं नहीं जाते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। जैसे ही आप गंध मचाते हैं, रायता फैला देते हैं घर में, बुरा हाल कर देते हैं, बदबू दूषित कर देते हैं घर के वातावरण को, तब कुल देवी और पितर वहाँ से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, तब मैली शक्ति ही का वहाँ वास हो जाता है। और वह मलिनता लाया कौन? आप लोगों ने ही तो लाया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बच्चे जो है वह थोड़े कामी स्वभाव के हो गए हैं, 16 साल 17 साल 15 साल 18 साल, मतलब कामी स्वभाव के हो गए हैं, सेक्स स्वभाव के हो गए हैं, उनकी नज़रों से ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव
अट्रैक्ट हैं सेक्स के प्रति, गंभीर हैं, फ़ोन देखो तो वहाँ गलत चीज़ मिलती हैं, किसी के लेटर पाए जाते हैं, फ़ोन की चैट देख लो तो उसमें गलत चीज़ें मिलती हैं। तो ये कम उम्र में बच्चों का बिगड़ जाना क्यों होता है, इस पर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेटा देखिए, रोज़गार के लिए आप चले गए गाँव छोड़कर किसी शहर, गांव में जगह थी आपके पास, लेकिन शहर में आपके पास क्या है, रेंट का आपने मकान ले लिया है दो कमरे का। अब उन दो कमरों में क्या होता है, दो आपके बच्चे हैं, मान लीजिए 10-11 साल का आपका लड़का है, 10-11 साल 12 साल की लड़की है, दो बच्चे हैं, दो पति पत्नी हैं। तो अब उन दो कमरों में आपका जीवन कैसे कटता है, एक कमरे में तो आपका मंदिर होता है, उसी में रसोई होती है, उसी में एक बेड डला हुआ होता है जिस पर ज़्यादातर आपकी पत्नी ही सोती है या आप सोते हैं, दूसरे कमरे में बच्चे सोते हैं और या तो आपकी पत्नी उनके साथ सोती है या आप सोते हैं या चारों एक साथ सोते हैं। ठीक है बात, बच्चे अभी छोटे हैं और आप चालाक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, आप सोचते हैं बच्चे तो सो गए, पत्नी के साथ पति धर्म अपना निभाएं, यानी कि सुख को भोगे, संभोग करें। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आप ये देखिए, यदि आपने 5 साल ऐसा काम किया है उसी रूम में जहां आपके बच्चे भी हैं, उसी रूम में आपने ऐसा काम किया है, किसी न किसी दिन वह आपके क्रियाकलाप को देख ही लेते हैं। कभी किसी की आंख खुल जाती है, वह देखता रहता है, आपको होश नहीं होता उस समय पति पत्नी को कि कोई बच्चा भी जाग गया होगा, वह आंखें बंद कर लेता है, कभी खोल लेता है, देखता है। सुबह वह दूसरे बच्चे को बताता है आपके कि कल रात पापा मम्मी को पीट रहे थे, उनके ऊपर पड़े थे, मार रहे थे उनको। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो आपका फ़ोन उठाते हैं किसी दिन, YouTube पर सर्च करते हैं या कहीं सर्च करते हैं, तो उन्हें उस दिशा में आगे मार्ग मिलता चला जाता है और अंत क्या आता है, वो पोर्न वीडियो देखते मिलते हैं आपको एक दिन। फिर आप क्या कहते हो, उन्हें पकड़ते हो, पीटते हो और बताते हो कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, इन्हें मत देखा करो। अब बच्चे उस समय तो आपके डर से रो पीट कर बैठ गए, लेकिन बाद में वह मन में सोचते हैं कि ये लोग खुद करते हैं यही काम, तब गलत नहीं है, हम देख रहे हैं तब गलत है। तो इस तरह से आपके जीवन में भूचाल आता है। आपके बच्चे कामों किस लिए होते हैं, कई जगह आपने सुना होगा कि लड़की किसी लड़के को लेके भाग गई या फला का लड़का किसी लड़की को छेड़ दिया, इस तरह के कारण आपके साथ होते हैं। आपका लड़का कहीं भटक रहा है किसी लड़की के चक्कर में या लड़की भटक रही है किसी लड़के के चक्कर में, तो उसकी बुनियाद कहाँ से स्थापित हुई, वो आप लोगों ने ही की। अब एक भाई साहब हैं, वो ड्रिंक करके आए रात को, वही दो कमरे, पत्नी दो बच्चे। अब पत्नी को लगे वो छेड़ने कि चलो कुछ करते हैं, पत्नी बोली यहाँ तो बच्चे सो रहे हैं, तो बोला साइड वाले रूम में चलो, पत्नी बोली वहाँ मंदिर है। अब क्या करें, उधर मंदिर उधर बच्चे, लेकिन वो शराबी उसके दिमाग पर दारू का असर है, वो आपको वहीं पकड़ के डाल लेता है या फिर साइड वाले में डाल लेता है मंदिर में। आप बोलती हैं कि मंदिर है, तो वो बोलता है तेरा भगवान मैं हूँ, क्योंकि वह नहीं बोल रहा होता, उस समय उसकी शराब बोल रही होती है, ड्रिंक जो कर रखा है उसने वो उसके भीतर से निकलता है कि तेरा भगवान मैं हूँ, ये भगवान नहीं है। और वहीं मंदिर में उसी रसोई में आपके साथ वह संबंध बना लेता है। मैं इसे भी ज़बरदस्ती कहूँगा क्योंकि ये भी एक रेप की श्रेणी में आता है। तो ऐसा होता है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे कुछ आवाज़ें, कुछ दृश्य उन बच्चों को बचपन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप पीट कर एक दिन बोल देते हो ये चीज़ें गलत। तब वह विचार लगाते हैं कि यह खुद करते हैं प्रतिदिन, तब तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए गलत है। तो आपके ऊपर से उनकी श्रद्धा खत्म होने लग जाती है, माता के पिता के प्रति उनका विश्वास जो है डगमगाने लग जाता है। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका बेटा है, कोई 6-7 साल का बेटी है, वह आपसे पूछे कि भगवान कौन है, और आप उसे बोल दो कि भगवान ये है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कोई हनुमान है, किसी मूर्ति को दिखा दो कि ये है भगवान। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वह धीरे धीरे समझने लग जाता है, क्योंकि वह उसी मूर्ति को भगवान मान के अपनी प्रार्थना पूजा जो मांग है वो करने लग जाता है, और मांगे ऐसी पूरी होती नहीं है,
कि कोई बोले मैं इतने दिन पूजा करूंगा तो नौकरी मिल जाए, कोई बोले ये करूंगा तो वो मिल जाए। मांग जहां होती है वहां प्रार्थना होती ही नहीं है। लेकिन आपने बच्चे को बता दिया ये भगवान है, इनसे मांगो, मंदिर के सामने हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। अब वह बच्चा धीरे धीरे उसकी एक एक आस टूटने लग जाती है, और जब आस टूटने लगती है तो उसकी आस्था डगमगा जाती है, आपके प्रति डगमगा जाती है, क्योंकि आपने उसे झूठ बोला था कि ये भगवान है। आपको उस समय क्या बोलना चाहिए था, मैं बताता हूँ। आपको बोलना चाहिए था, बेटा मैंने परमात्मा को कभी देखा नहीं है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं तुम्हें बताऊँगा कि वह कौन। और तुम भी तलाश करो अपने स्तर पर, यदि तुम्हें पहले मिल जाए मुझसे तो तुम मुझे बता देना कि परमात्मा कौन। यदि ऐसा आप बोल देते तो उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। उसको विश्वास होता कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आपके पास परमात्मा का कोई तरंग, कोई सुगंध, कोई नाम, कोई पता आता, कोई उनकी जिम्मेदारी, आपके पास कुछ भी नहीं था परमात्मा के बारे में ज्ञान। आपने भी सुना था, आपके बड़े बता के गए थे कि ये परमात्मा, इस मूर्ति के सामने लेट जाओ बेटा। उनको उनके पिता ने बताया था, उनकी माँ ने बताया था। तो श्रद्धा टूटती यहाँ से है, और जो कामुकता है वो आपके घर में कैसे फैलती है मैंने बता दिया। छोटे छोटे रूम हो गए, वहीं आपका करना धरना, वहीं बच्चों का सोना, वहीं जागना, हाथों में सबके फोन है, एक मिनट में सर्च मार लेते हैं कि ऐसे पति पत्नी ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है, और वो वीडियो अपने आप खुलती चली जाती हैं, और धीरे धीरे पोर्न पर चली जाती हैं, जहां अंग्रेज और अंग्रेजन बिल्कुल नग्न रूप में संभोग करते उत्तेजक आवाज़ें निकालते हुए दिखाई देते हैं। अब उन आवाज़ों को वो बच्चे सुनने लग जाते हैं। आपने एक बार पीट दिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा वो जिस चीज़ से रोकते हो आप, बच्चा वहीं जाता है, क्योंकि जो चीज़ दूर होती है, दूर की कौड़ी होती है, वह आकर्षक लगने लग जाती है। जो सुलभ हो, आसान हो, उस चीज़ की कदर नहीं होती है मनुष्य के अंदर। आप उसे जितना रोकते हो वह उतना ही उस दिशा में छुप के बढ़ने लग जाता है, आपसे छुप के बढ़ता है। फिर वह बाहर दोस्तों से इसका जिक्र करता है, दोस्त एक दो उल्टी सीधी बता देती। तभी तो होता है कि आजकल मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, लड़के ज़्यादातर हंस मैथुन की आदत में पड़े हुए हैं, घात रोग हो गया है उनको, सौपन दोष होते हैं। तो ये काम को दबाने की चीज़ें हैं, आपने बच्चे को दबा दिया उस समय, वह जानना चाहता था। या तो आपको पहले ही दूरी रखनी थी, ऐसा व्यवस्था रखनी थी कि पति पत्नी अपना प्राइवेट प्राइवेसी में अलग से अपना जो है उनका नित्य नियम है, जो क्रिया है, जो भी उनका प्रेम है, संबंध है, कुछ भी है, वह एकांत में हो जाता। लेकिन उसी कमरे में आप सब कुछ कर रहे हैं, स्टेज बना दिया है आपने उस रूम को। ऐसे में बच्चे देखेंगे तो फिर वो कामुक क्यों नहीं होंगे, क्यों वो दूसरे लड़के लड़कियों को लेकर नहीं भागेंगे। भागेंगे वो क्योंकि उनकी काम इच्छा जाग जाती है बहुत जल्दी, आपको देख देख कर ही जागी थी। अब आप उसे बोल रहे हैं कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, जबकि वह आपको ही करता हुआ देख रहा है। वह सोच रहा है कि मेरे माता पिता खुद कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये तो गलत है। इससे उसका डबल आकर्षण बढ़ता है उस चीज़ के बारे में, वह जानना चाहता है। फिर वह अपने दोस्तों से पूछता है, स्कूल कॉलेज में पूछता है, फिर इंटरनेट पर सर्च करता है। आजकल तो सब कुछ खुला पड़ा है इंटरनेट पर, कुछ भी आप ढूंढ लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कामुकता के विचार आपके जीवन में, घर में, आपके शरीर में जो है ला देती हैं। अब आखिरी के कुछ कैलकुलेशन कर देता हूँ। जैसे शराब पीकर नशे की हालत में जो व्यक्ति आता है, ज़बरदस्ती करता है जिस स्त्री के साथ, उसे काटता है, पीटता है, जलाता है, कई लोग तो सिगरेट लगा देते हैं, कई लोग दांतों से काट देते हैं, इसको आप प्रेम मानते हैं क्या? क्या यही होता है प्रेम? इस तरह से तृप्ति मिलती है क्या? जिस स्त्री को मिलती है या पुरुष को मिलती है? आप काट रहे हैं नशे में औरत को, वह चीख रही है। इसको यदि आप प्रेम मानते हैं, इसको यदि वैवाहिक संबंध मानते हैं, संभोग सुख मानते हैं, तो मेरी नज़र में आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। ज़बरदस्ती कभी प्रेम होता है? जब स्त्री पूर्ण होती है, तृप्त हो जाती है, और पुरुष तृप्त हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है?
उसको गलत विचार कभी नहीं आते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था, 100 लोगों को यदि मैं बिठा दूं तो उसमें से 90 लोगों को गंदे विचार आएंगे, 10 लोगों को नहीं आएंगे। ये 10 कौन होते हैं? ये वो जोड़े होते हैं, वो स्त्री पुरुष होते हैं जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके हैं उस चीज़ से। जैसे स्त्रियों की नाभि के 1.5 इंच नीचे एक तत्व सेंटर होता है, टिनटिनी तत्व। पुरुष की नाभि के नीचे 2 अंगुल होता है, तांदेन सेंटर। तो ये काम के सेंटर होते हैं। जब तक स्त्री के टिनटिनी तत्व को पुरुष का लिंग स्पर्श न कर दे, वह पूर्ण संतुष्ट नहीं होती, नहीं शांत होती है, जीवन भर उसे गंदे विचार आते रहते हैं। यही स्थिति पुरुष के साथ होती है। पुरुष के साथ क्या होता है? पुरुष के साथ ऐसा होता है, अब ज़्यादातर फ़ोन का ज़माना है, इधर उधर से मैसेज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कहीं कमेंट कर देते हैं लड़कियों की पोस्ट पर, कहीं पे किसी स्त्री की तारीफ कर देते हैं। पत्नी रात को फ़ोन चेक करती है सोने के बाद और पकड़ लेती है कि उसको बोल रखा है ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, वो ब्यूटीफुल है। किसी को बोल रखा है आपने आई लाइक यू, तो पत्नी बोलती है मुझे लाइक नहीं, उस चुड़ैल को लाइक। तो इस तरह से आपका मैसेज पकड़ा गया, पकड़ा जाता ही है। उसके बाद क्या होता है? अब स्त्री आपसे दूरी बनाने लग जाती है, आपकी खुद की स्त्री। वो क्या बोलती है? जैसे ही आप पास जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मुझे दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। उसी को हाथ लगाओ जिसको लाइक बोला था, ब्यूटीफुल बोला था, प्रिंसेस बोला था, उसी के पास जाओ, मुझे छोड़ो। इस तरह से स्त्री दूरी बनाने लग जाती है, उनके बीच में एक ऐसा मन मुटाव आ जाता है कि फिर वो दोबारा एक हो ही नहीं पाते हैं। वैसे तो रोज़ वो लिपट जाते होंगे, कर लेते होंगे अपना जो भी नित्य कर्म है, लेकिन वो एक नहीं हो पाते हैं। अब इसमें किसकी गलती है? पुरुष की बुद्धि ही ऐसी होती है, एक कुत्ते की तरह होता है पुरुष, जो जीभ निकाल के हर कुतिया के पीछे भागने को तैयार रहता है। लेकिन स्त्री ऐसी नहीं होती है, स्त्री कभी आक्रमण नहीं करती है, वह इंतज़ार करती है। लेकिन वह आपके फ़ोन को पकड़ लेती है, तुरंत मैसेज को पकड़ लेगी। आप उसके साथ बाज़ार में जाएंगे, इधर उधर से नज़र बचा के किसी स्त्री को देखेंगे, तुरंत पकड़ लेगी कि वह देख रही है उसको। ठीक है, ऐसे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है बेटा, यह जीवन को घसीटना है, जीना नहीं है। इस तरह से आपको होता है। आपने कभी फकीरों के, साधु सन्यासियों के सौपन नहीं सुने होंगे? मैंने तो बहुत से साधु सन्यासियों के साथ में बैठा हूँ, बातें की हैं, उनके सौपन सुने हैं। उनके सौपनों के बारे में यदि आप सुन लो, देख लो, तो आप शर्म से अपना सर नीचा कर लोगे। उन्होंने जीवन भर काम को दबाया है, स्त्री से दूर भागे हैं, बैठ गए हिमालय पर जाके गुफा में कि कोई स्त्री दिखे नहीं और काम की विचार जगे नहीं। ऐसे आंख बंद करने से कोई काम के विचार थोड़ा ना बंद होते हैं। आप आंख बंद करोगे तो आंख खोलने से डबल विचार गलत आपको आएंगे। तो वो बैठे थे शांति की तलाश में, परमात्मा की प्राप्ति की तलाश में, सिद्धि साधना करने गए थे, संसार छोड़ दिया था, स्त्री से भाग गए थे छोड़ के। अब उनके सौपन कैसे होते हैं आप देख नहीं पाओगे यदि एक टीवी स्क्रीन पर उनके सौपन चलाए जाए। इतने कामुकता से, इतनी नेगेटिविटी भरे सौपन होते हैं उनके। अब मुझसे पूछते हैं कि मुझे 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, ब्रह्मचारी का जीवन जिया लेकिन मिला कुछ नहीं, कोई सुगंध, कोई प्रकाश, कोई तरंग परमात्मा की मुझे मिली नहीं, क्या करूं? तो मैं कहता हूं कि आप छोड़ के भागे थे संसार को। क्यों भागे थे? वो कहते हैं हमने एकांत चुना ताकि कोई स्त्री न दिखाई दे, कोई सौंदर्य न दिखाई दे और हमारी कामुकता जगे नहीं। अब मैंने कहा क्या आपकी कामुकता जगी नहीं? तो कहते हैं कि आंखें बंद करते ही स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई देती हैं, रात को सौपन दोष होता है, गंदे ख्याल आते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तुरंत स्त्रियां दिखाई देती हैं। अब इस स्थिति को मैं कंपेयर करूं, उदाहरण के रूप में जोड़ूं। पहले कहते हैं ऋषि मुनि तपस्या करते थे और इंद्र देवता अप्सराओं को भेजते थे उनकी तपस्या भंग करने। क्या इन ऋषि मुनियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अप्सराएं आ रही हैं साधना तोड़ने? मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। अप्सराएं कहाँ होती हैं, किसने देखा?
ये उनके भीतर जो काम वासना को वो दबा के बैठ गए थे पहाड़ पे गुफा में चौकड़ी मारकर बैठ गए थे, ये वो दबी हुई काम वासना है जो प्रबल रूप में ऊपर की तरफ उठती है उनके ख्यालों में विचारों में। आप उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत सीधे सोमल सौम्य है, बहुत सरल है, लेकिन जब आप उनसे घुल मिल जाओगे और उनके दुखड़ा उनका सुनोगे आप, तो आपको बहुत पीड़ा होगी कि संसार छोड़ देना कितना दुष्कर है, कितना गलत निर्णय था। जबकि एक ग्रस्त व्यक्ति जो स्त्री के साथ भी रहता है, सोता है, सब कुछ करता है, बच्चे भी पालता है, नौकरी भी करता है, दो पैसे कमा के लाता है, अपने परिवार का लालन पालन करता है, उसके सौपन में इतनी गंदगी नहीं होती है, क्योंकि उसने चीज को देख लिया। भले ही उसने पूर्ण अनुभव नहीं लिया है अभी तक, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप पूर्ण नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक स्त्री को एक पुरुष पूर्ण करता है और एक पुरुष को एक स्त्री पूर्ण करती है, जैसे शिव और शक्ति का जोड़ा, अर्ध नारीश्वर बोला जाता, एक पावर का तार, एक अर्थ का तार, जैसे बिजली के दो तार होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। तो उन्होंने छोड़ा नहीं था संसार को, घर गृहस्थी में पालते रहे अपना, उनके विचार इतने गंदे नहीं मिलेंगे आपको, भले ही उन्होंने पूर्णता प्राप्त नहीं की है अभी तक, लेकिन फिर भी कुछ अंश तो देख लिया। अब कहते हैं महात्माओं से, कहते हैं उन भक्तों से, मैं कहता हूँ कि आप काम वासना को छोड़ दो। अब वो कैसे छोड़ेंगे काम वासना को? बेटा, छोड़ा उस चीज को जा सकता है जो आपके पास हो। अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और मैं बोलूं कि इन्हें दान कर दो, तो आप कर दोगे? यदि आपके पास 10 रुपये है नहीं और मैं बोलूं कि दान करो, आप कहां से कर दोगे? दान करने से पहले आपके पास होना चाहिए। अब काम वासना को छोड़ने से पहले आपको उसका अनुभव तो होना चाहिए, आपने देखा तो होना चाहिए, इस्तेमाल तो किया होना चाहिए, तभी तो छोड़ पाएंगे। जब तक आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, कैसे छोड़ पाएंगे? अब एक कोई नया टाइप का कोई रसगुल्ला बनाया है किसी कंपनी ने, वो आपने खाया नहीं और मैं बोला कि उसकी छोड़ दो, उसको त्याग दो। अब आपने स्वाद ही नहीं चखा, कभी खा के नहीं देखा, कभी आपने अनुभव नहीं किया कि भाई इसके खाने से कोई दिक्कत होती है, कोई फायदा होता है, मज़ा आता है, दुख होता है, आपने तो उस रसगुल्ले को चखा तक नहीं है, तो फिर आप कैसे छोड़ देंगे? तो नहीं छोड़ पाएंगे। इस संसार में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, भय हो, अहंकार हो, किसी भी चीज़ को यदि छोड़ना है तो पहले उसे जी भर के भोगना पड़ेगा आपको। जब आपकी तृप्ति हो जाएगी तब आप छोड़ पाएंगे उस चीज़ को। जो चीज़ आपको मिली ही नहीं उसको छोड़ेंगे कैसे? तो इसलिए फकीरों के सपने देखो यदि आप सुन लोगे तो आप दंग रह जाओगे, दांतों तले उंगली दबा लोगे अपने। ऐसे ऐसे सपने उन्हें आते हैं जो एक गृहस्थ को भी नहीं आते हैं, बेशक बैठे हैं पहाड़ पर। इसलिए किसी भी चीज़ को दबाओ मत, नहीं किसी चीज़ से भागो। सब परमात्मा करने वाला, वह जैसे चलाए चलो, वह जैसे जीवन आपको दे, जिस विधि राखे राम ता विधि रही है। इस तरह से आपको रहना चाहिए परमात्मा की शरण में। प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उनको क्यों तोड़ना है? प्रकृति ने एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाई, जिससे आगे संतान वृद्धि होती है, सृष्टि का चलन चालन होता है। यदि उसी को काट दें, सभी लोग सन्यासी बन जाएं, साधु बन जाएं, मांग कर खाएं, तो देने वाला कौन बचेगा? किसके घर पे मांग के लाओगे भिक्षा? क्योंकि हर कोई छोड़ देगा संसार को कि फरी में अपना झोला उठाया, मांगने पहुंच गया, अपना बनाई दो रोटी खा ली, शाम को फिर पहुंच गया, किसी ने रोटी दे दी, किसी ने चावल दे दिया। अगर इसी रास्ते पर पूरा संसार चल पड़े तो फिर देने वाला कौन बचेगा? यह एक क्रांतिकारी की बात है। इसलिए हाथ पैर कर काम सब, चित निरंजन नाल। हाथ पैर से सभी काम धंधे भी करने हैं, संसार के व्यवहार भी चलाने हैं, सब कुछ करते हुए परमात्मा का नाम भी लेना है। इसी को मैं सच्चा त्याग मानता हूँ, इसी को मैं सच्ची भक्ति मानता हूँ, इसी को मैं सच्चा प्रेम मानता हूँ। मेरे हिसाब से आज गंदे विचार वाला वीडियो जो है
वो पूर्ण रूप से काफ़ी जानकारी उसमें हो गई, कुछ चीज़ें छूट गई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% ये हो गई, क्योंकि बातें तो इतनी मन में आ रही हैं, बोलने के लिए इतनी बातें हैं मेरे पास इन्हीं पूरे टॉपिक पर कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वीडियो बन सकता है। लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने के बाद अक्सर उसको देखने वालों को भी दिक्कत होती है, एडिट करने में मुझे भी दिक्कत होती है, तो इसलिए इस वीडियो को शायद अब यहीं पर हम क्लोज करते हैं। यदि आपका साथ भी ऐसी स्थितियां होती हैं, गंदे विचार आते हैं, या आपके बच्चे उदंड हो गए हैं, या पति पत्नी का कोई मैटर है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमसे पूछ सकते हैं। जीवन का साक्षात अनुभव है हमें, एक एक बात जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी आपके घर में ही हो रही होगी और आप सोच नहीं सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम काली, हर हर महादेव।